ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनाभमधीतमस्तु, मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हम प्राचीन ग्रंथ जैसा तैतरीय आरण्यकम, तैतरीय उपनिषद जैसा जो हमारा संहिता काल से भी पहले हुआ प्राचीन ग्रंथ में अन्न के बारे में जो चर्चा किया है, उसमें जो वर्णन किया है, उसका बारे में हम अभी तक चर्चा किए हैं। उसके बाद अभी हम संहिता में, जब पुरुष आयुष 400 साल से कम होने लग गया तो उसका रिसर्च वो लोग स्टार्ट किया, और वो संहिता में हमारा आर्दय भद्रका पीयम जैसा अध्याय में वो वर्णन भी करते हैं। अभी हम हमारा संहिता के द्वारा थ्रू एक बार संचार करेंगे। मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स से अनुसार एक कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आया था स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लाइफ एवरेज आयुर्दैर्घ्य की जो कम है वो डॉक्टर्स है। अलग अलग प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा जो लाइफ एवरेज कम है वो डॉक्टर्स है, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो कम है वो इंडियन डॉक्टर्स को है आयुर्दैर्घ्य की सबसे कम। बाकी लोगों आयुर्दैर्घ्य की लाइफ एवरेज बाकी नॉर्मल लोगों से अगर कंपेयर करते समय तकरीबन 10 साल कम है इंडियन डॉक्टर्स को। जो वैद्य शास्त्र ग्रहण करके उसको कंठस्थ करके लोगों का रोग और दुख मिटाने वाला और आरोग्य अनारोग्य संकल्प में इतना ज़्यादा ज्ञानी लोग जो डॉक्टर्स है, और उनका खुद का अगर आयुर्दैर्घ्य इतना कम हो रहा है तो हम कम से कम सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मेकाले जब इंडिया आया और पूरा हमारा देश घुमा तो वो बताते हैं कि मैंने एक भी दरिद्र व्यक्ति को नहीं देखा। ये अलेक्जेंडर ने उनका बुक में लिखा भी है। हमारा प्राचीन इंडिया का इतिहास इस तरह काफ़ी सारे विदेशी स्वदेशी जो लोग जो इंडिया घूम के गया है यहाँ से, उन्होंने लिखी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारा स्कूल्स का सिलेबस में जो हम पढ़ते जा रहे हैं, ये हमको सिखाते जा रहे हैं, वो और ये दोनों विरुद्ध है, क्योंकि ऐसा हमको बताते नहीं है। आज हम खाने वाला आयरन टैबलेट, ये आयरन टैबलेट अगर आप मैग्नेट के पास रखेंगे तो वो आयरन उसको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उसको प्योर आयरन है और कुछ नहीं है। लेकिन आयुर्वेद विधि के अनुसार एक लोह अगर भस्मीकरण करके लोह भस्म बना के, चाहे वो जितना भी नीचे गिरी हुई है कंपनी का भी हो, आप लोह भस्म लेके अगर एक आप मैग्नेट के पास रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। फिर भी हम लोग सोचते हैं लोह भस्म किडनी को डैमेज करेंगे और आयरन टैबलेट्स किडनी का कोई डैमेज नहीं करेंगे। पहले समय में इस तरह का होते समय, जो 400 साल से कम उम्र होने लग गया उस समय, सारे राजा लोग, पंडित लोग, वैद्य लोग, वैद्य मुनि श्रेष्ठ लोग, ये सब लोग एक सदस्य एक स्टेज या एक मीटिंग रखा, मीटिंग में चर्चा करना शुरू किया कि इसका कारण क्या है, वो ढूंढने शुरू किए। उसमें अध्यक्ष हमारा आत्रेय पुनर्वसु भगवान अध्यक्ष होके वो चर्चा को लीड किया है। तो फर्स्ट जो चर्चा के लिए
वाद रखा जो काशी का राजा, काशी राजा जो वामग वामग जी ने बाकी सारे वैद्य श्रेष्ठ को राजा को वंदन करके उन्होंने उनका वाद रखने शुरू किए। यहाँ पे हम एक और बात समझना है कि एक चर्चा कैसे लेके जाना है, एक संवाद या एक डिबेट या बहस कैसे लेके जाना है, ये भी हमको इसके साथ के साथ सीख सकता है। तो वामक जी ने बताया, पुरुष का उत्पत्ति कहाँ से है, हर रोग का निदान भी वहीं से ही होगा, या कहीं और से है, ये हम कैसे पता चलेगा, ये है उनका क्वेश्चन। मतलब जो पुरुष का उल्पत्ति है वो उल्पत्ति कहाँ से है और वहीं से ही रोग है ऐसा मानना है हम, या कहीं और से हम ये रोग का उत्पत्ति निदान कहीं और से है ये मानना है। भारतीय चिंता में सही और गलत इस तरह का दो चीज़ नहीं है, वो सही और गलत में कभी विश्वास नहीं किया और माना नहीं है। सही और गलत सब अभी का है, पहले प्राचीन लोग ये सोचते थे, ये विश्वास करते थे, सही और गलत जैसा दो चीज़ नहीं है, सब सही है। क्योंकि अगर सही नहीं है जो गलत है तो वो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ अगर कोई गलत चीज़ तो हमारा दुनिया में होगा ही नहीं है, केवल सही है। लेकिन सही में उत्तम सही कौन सा है, हीन सही कैसे, हीन सही से आप मध्यम सही में, मध्यम सही से आप हीन सही में, इसलिए आप सही को सुधारते जाओ। सब सही है, कुछ चीज़ें छोटा सही है, कुछ चीज़ें बड़ा सही है, कुछ चीज़ें आधा सही है, कुछ चीज़ें पूरा सही है, तो वो सही पे लिए लोग सुधारने के लिए कोशिश किया था। आज का समय में आप जितना सारा चर्चा बहस डिबेट आज का जो मीडिया चैनल्स में आते रहते हैं और उसमें जो एंकरिंग के लिए बैठते हैं उसको जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कोई ABCD नहीं जानते, एक सामान्य ज्ञान नहीं होते, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो चर्चा में आते हुए पता नहीं वो दोनों क्या क्या बातें करते हैं, उनको खुद को नहीं पता। कोई भी अगर ये एजेंडा इनका बीच का जो एजेंडा का अगेंस्ट खिलाफ अगर कुछ बातें बोलने लग गई है तो तुरंत उसको चुप करवाएंगे, उसका माइक ऑफ करेंगे और उनको चुप कराते हैं। यहाँ पे जो चर्चा में जो काशी राजा वामक जी ने जो क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा, तो पुनर्वसु आत्रेय भगवान सबके लिए बताया, आप सभी लोग जितना आप लोगों के ज्ञान के अनुसार आप राजा का ये सवाल का जवाब देने का कोशिश करो। उन्होंने सीधा जाके जवाब तोड़ी दिए, उन्होंने इस तरह का एक मौका वहाँ पे सबको दिया। उस समय मौगल्यन या मौगल्य कुल का कुल में पैदा हुआ पारिषि उठके बताया, पुरुषन आत्मजन्य है, क्योंकि पुरुषोत्पत्ति हम उसको सृष्टि का आदिम रहस्य वगैरह हम तैतरीय उपनिषद में पहले बताया था, आत्मजन्य है पुरुषन, क्योंकि पुरुष आत्मा से बनी हुई है और उन्होंने कर्म करते हैं और कर्म का फल उन्होंने अनुभव करते हैं। बिना जीवन बिना जीव धातु सुख और दुख नहीं होंगे, इसलिए सारा रोग का कारण जीवन है, क्योंकि जीवन नहीं है तो वहां पे कर्म नहीं है, बिना जीवन पे कैसे कर्म कर सकते हैं, बिना जीवन में कोई सुख दुख नहीं है, इसलिए सारा रोग का कारण जीवन है। ये सुनते ही शरलोमाव जी ने उठ के बताया,
वो पूरी तरह से सही ही नहीं है, क्योंकि जो जीवन है, कोई पुरुष जो जीवित है, वो कोई भी चाहते नहीं है कि दुख हो जाए, या दुख के लिए कोई चाहते नहीं है। इसलिए दुख जीवन का स्वभाव या आत्मा का स्वभाव नहीं है, या नहीं हो सकता है, क्योंकि रोग मतलब दुख है। इसलिए आत्मा स्वयं दुख कारण जन्य रोग को कभी नहीं बनाएंगे। इसलिए आपका वाद को मैं खंडन कर रहा हूं। तामस रजस आदि सत्व स्वप्न को हम मनस बोल सकते हैं, और वो मनस है रोग कारण। मतलब मन जो आपका रोग कारण मनस है। तो तीसरा व्यक्ति उठा, वर्योविदन, उन्होंने बोला बिना शरीर मनस नहीं है, क्योंकि मनस को कहीं जगह कहीं बैठना है, बिना शरीर तो मनस नहीं है। और इसलिए जितना सारा जीवी को जो रोग उत्पन्न हो रहे, उसका कारण रसजन्य है, क्योंकि शरीर रस से बनी हुई है। उन्होंने और एक्सप्लेन किया, माता पिता जो खाना रसजन्य खाना खाके उसमें से शुक्ल शोणित से एक रास्ता इस तरह से रोग बनते हैं। दूसरा रास्ता जो दोहदा काल या गर्भिणी काल आहार जन्य रस का द्वारा। तीसरा उसके बाद जब जन्म होते समय जो खाना खाते हुए आहार रस के द्वारा। इस तरह का तीन तरह के रोग बन सकते हैं। यह है वर्योवीदन जो उनका वाद रखा। आप देखिए कितना गहरी गहरी चर्चा हो रहा था उस समय। अगर आप लोगों को उपासना करना है, तो हमारे पीछे जो चली हुई ही पाद, वो पाद का शब्द को आप उपासना करो। वर्योवीदन बताते हैं, कल जो जल है, वो जल पंज बहुधी का रसबंदी है। इसलिए एक अच्छे मनोगुण वाला, यम नियम पालन करने वाले एक व्यक्ति, उनका मनस को वो जल के अंदर आवाहन करके, वो जल अगर किसी को देंगे तो रोग चले जाएगा। आज का समय में हम सबको पता है, केवल जल को उनका जल को कोई यूनिफॉर्म क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। अगर जल दूषित होना है, तो उसका आसपास का मनस दूषित होंगे तो ही जल दूषित होते हैं। जैसा लोग अगर जो यम नियम करके जो बिल्कुल मन शुद्धि हुए लोग, अगर ऐसा थोड़ा जल उनका हाथ में रख के अगर देंगे तो सारा रोग ठीक हो जाएंगे। ये है वर्योवीदन का कहना। और पहले समय में ऐसा पूज्य स्वामी लोग, सूफी लोग, क्रिश्चियन फादर्स वगैरह था, और वो लोग इस तरह का करते भी थे और लोग ठीक भी होते थे। लेकिन आज का समय में आप कोई स्वामी के पास, कोई मौलाना के पास, कोई सूफी के पास, कोई क्रिश्चियन फादर के पास जाने से कोई मतलब नहीं है, उल्टा और रोग मिल जाएगा। उसके बाद हिरण्याक्ष उठके उसको खंडन किया, बताया रोग रसजन्य नहीं है, क्योंकि आत्मा और मनस ये दोनों रसजन्य नहीं है, इसलिए रोग भी रसजन्य नहीं है। अगर रसजन्य है तो शब्द जन्य भी होना जरूरी है।
और पुरुषन धादु जन्य है, सप्त धातु से बनी हुई है, इसलिए रोग सारा रोग धातु जन्य है। ये बताते समय शौनगन उड़के बता दिया, अगर माता पिता नहीं है तो वहां पे धातु भी नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं है, मनुष्य से मनुष्य पैदा होते हैं, घोड़े से घोड़ा पैदा होते हैं और हाथी से हाथी पैदा होते हैं, इसी क्रम में पैदा हो रहे, तो वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ इस नहीं है, पैतृक जन्य रोग जैसा प्रमेह कुष्ठ थोड़े इस तरह का रोग भी है, इसलिए सारा रोग का कारण माता और पिता है। द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ग्रिगर मेंडल है, और सारे लोग ये सोचते हैं कि 100 साल पहले जो ग्रिगर मेंडल ने जेनेटिक्स थियरी लेके आया उसका भी बहुत शताब्द पहले शौनगन ने ये वाद रखा है और ये डिस्कवर किया है जेनेटिक्स जेनेटिकली भी रोग होते हैं। शौनगन ने कहा रोग मातृज और पितृज है और वह है रोग का कारण, लेकिन वो पूरा सही भी नहीं है क्योंकि सारा रोग मातृजन्य और पितृजन्य नहीं है। तो भद्रकापियन ने उठ के बताया अगर सारा रोग का अगर कारण माता और पिता है तो अंध का पुत्र अंध होना चाहिए, लेकिन वो होते नहीं है, इसलिए रोग का कारण कर्म का फल है, कर्म का बिना रोग नहीं है। ये एक वाद का बेस में सत्कर्मम दानम ये सब रोग को मिटाने वाला है, और ये प्रैक्टिस हम आजकल भी करते हैं। इस तरह का अलग अलग वाद चलते रहते हैं। उसके बाद भरद्वाजन उड़ के बताया वो भी पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि एक कर्म करने के लिए एक कर्ता ज़रूरी है, अगर कर्ता अगर कुछ भी नहीं किया तो कर्म नहीं है वहाँ पे, और यहाँ पे कर्ता पुरुषन है, इसलिए कर्ता का स्वभाव है रोग कारण। अगर स्वभाव अच्छा है तो रोग नहीं होंगे, अगर स्वभाव बुरा है तो रोग पैदा होगा, जैसा कि गरम द्रवम उष्णम चलम ये सब भूमि जल वायु अग्नि इत्यादि का स्वभाव है, इस तरह का पुरुष का स्वभाव है रोग। ये सुनते समय कांकायन जी ने उठ के बताया अगर स्वभाव से ही अगर रोग आरोग्य सिद्धि सब है तो कृषि वाणिज्य यज्ञ ये सब यहाँ पे होंगे ही नहीं। वो आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि अगर स्वभाव ही है सारा इसका कारण तो वहाँ पे आपको खेती करने का वाणिज्य करने का यज्ञ करके इस तरह का कर्म करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा तो पौसे होते ही नहीं है, इसलिए सारा रोग स्वभाव जन्य नहीं है। सारा रोग ये सबको नियंत्रण करने वाला प्रजापति या ईश्वरन के कारण है, क्योंकि चेतन अचेतन का सबका कारण ईश्वरन है, ईश्वर है। उस समय आत्रेय भिक्षु उड़ के, आत्रेय भिक्षु मतलब आत्रेय भगवान नहीं है ये, दूसरा आत्रेय भिक्षु उड़ के बताया सारे प्रजा को सुख पैदा करने वाला ईश्वर, हम जैसा दुर्जन जैसा प्रजा को कभी भी दुख पहुंचाने कभी सोचेगा भी नहीं, इसलिए ईश्वर कभी रोग नहीं देंगे, अगर देते हैं तो वो ईश्वर नहीं भी है। ईश्वर हर चीज को अनुग्रह किया है, ब्लेसिंग किया है, इसलिए ईश्वर नहीं रोग देने वाला है, रोग देने वाला काल है, इसलिए रोग को देने जो पुरुष को जो रोग देने हैं रोग कालजन्य है, हर रोग कालजन्य है क्योंकि
हमारा समय होते समय, हमारा समय पास होते समय हम सब मृत्यु हो जाते हैं, वो सब मृत्यु हो रहे, तो वो काल के कारण रोग हो रहे। इस तरह का आगे भी काफ़ी सारा चर्चा चलते जा रहा है। इसमें जो प्रसिद्ध कुछ वाद और प्रतिवाद मैंने यहाँ पे बताया है, ये इसलिए बताएं कि इसमें हर चीज़ सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है। आज भी ये सारा वाद और प्रतिवाद अपना युक्ति के अनुसार आप सोचेंगे तो अभी भी ये सारा अभी भी एप्लीकेबल होते हैं आज का ज़माने में भी। अभी हम नेक्स्ट ऑडियो में ये सारा सुनने के बाद भगवान आत्रेयन इसको सब संग्रह करके वो एक फाइनल ओपिनियन और फाइनल थॉट बताते हैं, वो हम नेक्स्ट ऑडियो में बताएंगे। धन्यवाद।